हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? नीरज कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का क्लास हम लोगों का होगा इकोनॉमिक्स का, और इकोनॉमिक्स का सबसे फर्स्ट क्लास है ये, और इसे समझते हैं कि होता है क्या है और अच्छे से समझते हैं, ठीक है? क्योंकि इकोनॉमिक्स कोई ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट है नहीं, बस इसको थोड़ा समझने बढ़ दे रहा है, समझ आएगा तो अच्छी तरह से क्लियर हो सकता है, ठीक है? तो देखते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखो, हम यहाँ पे लिखे हुए हैं इकोनॉमी, तो पहले हम लोग इकोनॉमी के बारे में समझते हैं कि इकोनॉमी क्या है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है? तो देखो, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी का मतलब एक सिंपल सा लैंग्वेज अगर हम बताएं तो यहाँ पे इकोनॉमी का मतलब होता है मनी, लेकिन आई थिंक आपको समझ नहीं आवा कि सर तो डायरेक्ट बोल दिए, पढ़ा रटा हुआ चीज बोल दिए मनी, लेकिन ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स को हम अच्छे से समझते हैं इकोनॉमी है क्या। देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं क्या है। देखिए, सपोज मानकर चलो कि आपके पास 1000 है, आपके पास 1000 है, और इस 1000 से आप क्या कर सकते हो? बहुत सारे इच्छा होता है, ठीक है? जैसे सपोज मान लो कि इस 1000 से हम शॉपिंग कर सकते हैं, इस 1000 से मूवीज देख सकते हैं, इस 1000 से पार्टी कर सकते हैं, इस 1000 से बुक परचेज कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे इच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो 1000 है, ये 1000 क्या है? 1000 एक अमाउंट है, ठीक है, पैसा है, और ये आपका इच्छा है, ठीक है? देखो, ये पैसा जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड रिसोर्सेस। और ये जो है शॉपिंग, मूवी, पार्टी, बुक, ये जो है आपका अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स। फर्स्ट देखो, यहाँ पे अनलिमिटेड वांट्स, तो ये लिमिटेड रिसोर्सेस है और ये अनलिमिटेड वांट्स है, मतलब सीमित साधन है और इच्छा बहुत ज्यादा होता है। साधन आपके पास सीमित है और इच्छा बहुत ज्यादा होता है, वही कहलाता है आपका इकोनॉमी। इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स नहीं, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स एक ही है, ऐसा नहीं है। आज समझ लो कि इकोनॉमी अलग चीज है और इकोनॉमिक्स अलग चीज है। तो इकोनॉमी का मतलब यही होता है कि जहां पे रिसोर्सेस सीमित है और वांट्स ज्यादा है, वो हमारे लिए इकोनॉमी होता है। तो इकोनॉमी का देखो एक मीनिंग अगर हम बात करें, तो देखो इकोनॉमी का मीनिंग अगर हम बनाए, यहाँ पे लिख सकते हैं कि इकोनॉमी इज अ दैट सिचुएशन विच वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस and unlimited wants, and unlimited wants। देखिए, economy is that situation which we have limited resources and unlimited wants, मतलब ऐसा situation जब create हो जाता है ना, वही economy कहलाता है, economy कहलाता है। तो economy का मतलब अब इसको हम बोल सकते हैं कि सर पैसा, हाँ बोल सकते हैं, आप भी बोलोगे हाँ सर आप सही बोले कि economy मतलब पैसा होता है, ठीक है? तो इकोनॉमी क्या है? एक वैसा सिचुएशन क्रिएट करता है जहां पे रिसोर्सेस लिमिट होता है और जहां पे इच्छा सीमित होता है, असीमित होता है, ज्यादा इच्छा होता है, वैसा सिचुएशन इकोनॉमी कहलाता है, ठीक है? अब देखो इकोनॉमिक्स के बारे में समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। देखो, हम इकोनॉमिक्स के बारे में यहां पे हम लिखते हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। अब देखो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है, ठीक है? इकोनॉमिक्स का मतलब बताया, देखो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे क्या बताया कि आपको एक रिसोर्सेस लिमिट है, इच्छा बहुत ज्यादा है, ये इकोनॉमी है। लेकिन अब इस रिसोर्सेस से मैनेज करना है, आपको इसको मैनेज करके चलना है कि क्या होता है सर, ठीक है? कैसे मैनेज करेंगे हम, अभी आप पे डिपेंड करता है कि कैसे। सपोज मान लो कि आपके पास 1000, ये पॉसिबल तो है नहीं कि हम ये सब चीज कर सकते हैं। अभी आपको लगता है कि आपको जो प्रायोरिटी लग रहा है उसको चुनो। जैसे सपोज मान लो कि 1000 में बुक परचेज करें, सर हम क्यों परचेज करें? सर मेरे गार्जियन खरीद के देंगे कि हम खरीदेंगे, तो 1000 रुपया आया, ऊपर से हम बुक परचेज करें। सर नहीं, सर बुक परचेज नहीं करेंगे, हम मूवी देखेंगे फ्रेंड के साथ या फिर पार्टी करेंगे, शॉपिंग नहीं करेंगे। सर शॉपिंग गर्ल्स लोग ज्यादा करती है, इसलिए गर्ल्स लोग अपना करेंगे, हमको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो क्या है कि आपको जो चुन ले रहा हो ना, वही इकोनॉमिक्स है, उसी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। देखो एकदम इजी लैंग्वेज, अच्छे से लैंग्वेज में समझो क्या होता है इकोनॉमिक्स। खाली किताबी रटने से कुछ काम नहीं हो सकता कि सर इकोनॉमिक्स ये पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं।
इकोनॉमी को समझो और इकोनॉमिक्स को समझो क्या होता है, समझ में आना चाहिए इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स वाला समझा है जहां पे सीमित साधन है और इच्छा जब ज्यादा होता है तो उसको उसमें से चुनना इकोनॉमिक्स कराता है, उसको मैनेज करना इकोनॉमिक्स कराता है। जैसे सपोज अभी घर में भी होता है, जैसे मान लो कि आप लोग के फादर होंगे, फादर अर्न करके आ रहे हैं, सैलरी आ रहा है, तो पापा क्या करते हैं कि भाई टीचर को पेमेंट करना है, स्कूल में पेमेंट करना है, कॉलेज में पेमेंट करना है, घर का सामान लाना है, और उसी में वो मैनेज करते हैं, उतना ही रिसोर्सेज में मैनेज कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक्स, हर घर में इकोनॉमिक्स का काम कर रहा है वो, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स उसी को बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स का अगर हम मीनिंग बात करते हैं, आप लिख सकते हैं कि हाउ कैन deal the situation, how can deal the situation which we have LTD में तो limited हम लिख दिए, limited resources and unlimited wants, ठीक है। जहां पे मतलब हम कैसे डील कर सकते हैं सिचुएशन को कैसे डील कर सकते हैं, वो सिचुएशन को डील करना ही इकोनॉमिक्स कराता है। अगर हम बुक की लैंग्वेज से अगर हम चले, ठीक है, जैसे अगर बुक की अगर बात करें तो आप लोगों के बुक में भी लिखा हुआ है कि कैसे सिचुएशन को डील करके हम लोग कवर कर सकते हैं, तो वो इकोनॉमिक्स कराता है। लेकिन अगर हम बुक की लैंग्वेज में चले तो बुक के लैंग्वेज में अगर हम चले तो अच्छा, पहले एक चीज और, बुक के लैंग्वेज में चलो लिख ही देते हैं, पहले बुक के लैंग्वेज बोलोगे सर बुक का लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं। देखो इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट मैटर, इकोनॉमिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स, अगर साइड में नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल दे रहे हैं मैटर दैट डील्स विथ द, लेकिन बस इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ जाओ क्या होता है, विथ द रैशनल मैनेजमेंट। अब ये रैशनल मैनेजमेंट क्या होता है, एक सीरीज बाय सीरीज अच्छे तरह से मैनेज करना, रैशनल मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट्स। तो इकोनॉमिक इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, मतलब इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर है जहां पे डील करता है, किस चीज को डील करता है, मैनेजमेंट को डील करता है, जहां पे लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स को डील करता है, वो कहलाता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर है, और बच्चा रोने लगा चलो कोई बात नहीं, इकोनॉमिक सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ ए लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, मतलब रैशनल मैनेजमेंट करना, मतलब एक वैसा सब्जेक्ट मैटर है जो अनलिमिटेड वांट्स को और लिमिटेड वांट्स को क्या करता है, मैनेज करता है, उसको डील करता है, वो एक बस वही चीज़ है, बोलते हाँ सर यही चीज़, क्योंकि इसी चीज़ को तो डील लिख दिए हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स है, अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्स, उसी को तो डील करना, उसी को मैनेजमेंट करना इकोनॉमिक्स कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। अब देखो अगर हम बात करें एक और लैंग्वेज, बोले सर समझ में तो आ गया सर, एक और छोटा सा लैंग्वेज बता दीजिए सर। तो देखो छोटा सा लैंग्वेज अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं जैसे एक सिंपल सा लैंग्वेज हम लिख देते हैं यहाँ पे, देखो इकोनॉमिक्स इज ए मैनेजमेंट ऑफ मनी, इकोनॉमिक्स इज ए मैनेजमेंट ऑफ मनी, मतलब कि मनी को मैनेज करना इकोनॉमिक्स कहलाता है, मनी को मैनेज करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। देख सकते हैं एक सिंपल सा लैंग्वेज, क्योंकि हम आपको बताया इकोनॉमी, इसी को मैनेज करना है ना, ये चीज क्या है इकोनॉमी, इसी को मैनेज करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है, ये आप लोग को समझ में आ चुका होगा। देखो अच्छे से समझेंगे इकोनॉमिक्स, घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है कि सर इकोनॉमिक बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस समझने भर देरी है, आप समझ जाओगे इकोनॉमिक बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स, तो आज के क्लास में हम लोग ये समझे कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या मतलब है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि सर कहीं इकोनॉमी की बात होता है, कहीं इकोनॉमिक्स की बात होता है, तो इकोनॉमी समझ गए आप, इकोनॉमिक्स समझ गए। अब अगले क्लास में, क्योंकि ये आप लोग का क्लास वन था,
अगला क्लास क्लास टू होगा इकोनॉमिक्स में ही, आगे का हम लोग क्लास डिस्कस करेंगे, लेकिन अच्छे से देखना समझना, ठीक है। डाउट होता है कमेंट बॉक्स करो, कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए है, आप कमेंट करो, पूछो, उसके बाद आपको 24 घंटे के अंदर में आपको आंसर इसका आएगा। और देखो इसका नोट्स की अगर बात करें तो नोट्स आपको मिल सकता है, आपको हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने नंबर दे देंगे कोऑर्डिनेटर का, कोऑर्डिनेटर साहब बात करके आप नोट्स वगैरह भी ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। तो आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी अब क्लास अगले क्लास में हम लोग समझेंगे कि और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, और अच्छे तरह से समझेंगे क्या होता है आगे, आगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बस आज इतना ही, थैंक यू।